नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम कंधे में दर्द, हाथ में दर्द, गर्दन में दर्द, स्कैपुला में दर्द और दर्द इतना सीवियर कि रोज़ाना उस दर्द को सहन करना बहुत मुश्किल काम और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वह दवाई लेने से भी अब रुक नहीं पाता था। तो एक पेशेंट मेरे पास आए और मैंने उनके कपिंग की, ये रबड़ के कप आपको दिखाई दे रहे हैं, और किस प्रकार से उनका इलाज किया मैग्नेटिक ट्रीटमेंट के द्वारा, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, चाइनीज TCM एक्यूप्रेशर और सीड थेरेपी के द्वारा इलाज किया, उनको किस प्रकार लाभ मिला, आइए आगे की वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर उनके कपिंग की, जहाँ पर दर्द के पॉइंट थे और उन पॉइंट पर मैंने ये कपिंग रबड़ कप होते हैं और ये लगाए मैंने, इनके लगाने से वहाँ का सर्कुलेशन अच्छा हो गया और जो रुकावट थी वो सही होने लगी और जो रोज़ाना बहुत ज़्यादा दर्द होता था बार बार, उसमें भी कमी आने लगी। हाथों में मैग्नेट लगाए और आगे के चित्रों में आपको दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये मैग्नेट मैंने लगाए और इनको आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर और सर्वाइकल करस्पोंडेंस पर भी चक्र मैग्नेट के द्वारा, क्लस्टर मैग्नेट के द्वारा ट्रीटमेंट दिया, जिसको आप चित्रों में देख पा रहे हैं। और इस ट्रीटमेंट से उनको दर्द में कमी आई और आगे उनको स्लीपर फिजियोथेरेपी मशीन के द्वारा उनको स्टिमुलेट किया गया, हाथों में स्टिमुलेशन दिया इस मशीन के द्वारा, तो इससे उनके हाथों का सर्कुलेशन कंधे तक, गर्दन तक अच्छा होता चला गया और हाथ हल्का महसूस होने लगा। इस स्लीपर को पैरों में पहने तो स्लिप डिस्क L4, L5, S1 के आसपास का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होने लगता है और इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक मैंने उनको दिया और रिजल्ट अच्छे आए। उसके बाद मैग्नेट ने अपना काम किया और आज काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। दर्द कभी कभी होता है, पहले रोज़ाना होता था, मसल कमज़ोर हो गई थी, लगभग 8-9 महीने की बीमारी, तो इसमें मसल कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि कंप्रेशन आने से और उससे दर्द भी होने लगता है और सभी हाथों में कमज़ोरी आने लगती है। तो अब आगे की वीडियो में आपने इस इलाज को देखना है। हाँ, सर्वाइकल के दर्द में पहले से क्या अंतर है? अब काफ़ी आराम है मेरे, पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था, अब इससे मेरे को बहुत ही फायदा हुआ है। कंधे में दर्द होता था काफ़ी? हाँ, कंधे में बहुत, और हाथ में भी आ जाता था पहले? हाँ, हाथ में बहुत दर्द होता था। ये कानों में भी मैग्नेट लगवाई थी? जी, कानों में मैग्नेट लगाने से भी अच्छा रहा। और ये कपिंग करते हैं तो इससे कैसा लगता है? इससे काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा, कपिंग से आराम मिलता है। दर्द में कितना परसेंट आराम आपको मिल रहा है अभी? 40% आराम। बढ़िया है। ये फिजियोथेरेपी मशीन
इसके द्वारा इलाज करते हैं तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है और सर्वाइकल और कंधे के दर्द में और हाथों के दर्द में हम क्या करते हैं कि इसमें ये जो इसके स्लीपर हैं उसमें ये दोनों हाथों को रख देते हैं इस प्रकार से, और हाथों को रखने के बाद ये मशीन ऑन रहती है और उसके बाद इसमें हाथों में ये इसका वाइब्रेशन आने लगता है तो ये हाथों में आपको दिखाई दे रहा है नसों में, इससे ये वाइब्रेशन आने लगता है और सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है इससे। तो जो भी स्टैग्नेशन होती है ब्लड की या रुकावट होती है या एनर्जी का सर्कुलेशन होता है वो इससे ऊपर हाथों तक बढ़ जाता है और इसको 5 मिनट के लगभग हम लगा के रखते हैं तो ये सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है, क्योंकि हाथों में ही सभी हमारे हाथ के और शरीर के ऑर्गन होते हैं तो उससे इसमें करंट के सर्कुलेशन से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है। और ये आपको यहाँ हाथ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ मैग्नेट लगा देते हैं हाथों में इनके साथ साथ, और कान पे भी मैग्नेट लगाई थी ऑरिकुलर की, तो इनसे इनको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो आप जब भी किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करें तो आप दर्द में उसके हाथों में है कंधे में है तो उसको इस मशीन के द्वारा आप सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये फिजियोथेरेपी मशीन के द्वारा उपचार दें और इससे ज़्यादा लाभ मरीज को मिलने लगता है। कपिंग थेरेपी करने के बाद भी कंधे में हल्कापन आ जाता है और कंधे में जो गर्दन के बाद ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो उससे कंधे भारी हो जाते हैं और इसके लगाने से जो स्किन है वो ऊपर खिंचती है और उसके नीचे से जो रुकावट होती है वो आगे चली जाती है और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आगे चले जाते हैं। जैसे हमने हटाया तो यहाँ पर ये निशान दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये यहाँ पर ज़्यादा है और ये पर्पल कलर का निशान है। पर्पल कलर का मतलब है कि बॉडी में ब्लड का जो यहाँ पर गर्दन पर सर्कुलेशन है वो कम है और यहाँ से ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये निशान 3-4 दिन में चले जाते हैं और ये जो निशान है पर्पल कलर के, जब ये पिंक कलर के आने लगेंगे तो इसका मतलब सर्कुलेशन अच्छा हो चुका है। तो पर्पल कलर के निशान या काले कलर के निशान अगर आ जाएं तो ये बताते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन कम है। तो इस तरीके से ये इसको हल्के हाथ से इस तरीके से करने बाद में तो ये कपिंग थेरेपी भी हम सप्ताह में 1-2 बार कर दे तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट सर्वाइकल में आते हैं। इससे हाथों की फिजियोथेरेपी और सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और ये ही स्लीपर आप पैरों में भी पहन सकते हैं और इसके पहनने से कमर का दर्द, पैरों का दर्द और पैरों का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो इस मशीन के 2 फायदे हैं कि आप हाथों में भी कर सकते हैं और इसी को पैरों में भी कर सकते हैं। तो आप जो है प्रतिदिन इस प्रकार से उपचार करेंगे तो ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित है, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे।
नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही और एक बार फिर नई वीडियो के साथ फिर वापस आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।